जब से मैंने सीजन वन देखा था तब से रहा ही नहीं जा रहा था इसका सेकंड सीजन और थर्ड सीजन देखे बिना, क्योंकि यार इसके दो रीजन है, एक तो ये कि हर एक एपिसोड 15-15 मिनट का है, और दूसरा ये क्योंकि इसकी जो कहानी है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीजन 7 के सेकंड सीजन के बारे में। टोटल इसके अंदर 3 सीजन है, अभी तक मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों सीजन देख लिए, और हर सीजन के अंदर आपको 10-10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा 3 ओवीए भी हैं। थर्ड सीजन मैंने हाफ ही देखा है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर वहां पर बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा ना बात करने को, वीडियो बनाने को। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आप लोगों को इस सीरीज के बारे में दे देता हूं। एक कैरेक्टर जिसका नाम 7 है, अब ये अपनी याददाश्त खो चुका है। अपनी याददाश्त खोने से पहले ये एक किलर हुआ करता था, इसको थोड़ा बहुत हमें फर्स्ट सीजन के अंदर दिखाया जाता है। अब ये यहां पर कैसे पहुंचा, किसने इसको मारा, ये सारी चीजें तो देखो ना तो फर्स्ट सीजन में बताएगी ना सेकंड सीजन में बताएगी, मे बी थर्ड सीजन के अंदर वो सारी चीजें हमें बताई जाए, लेकिन फर्स्ट सीजन में जितना हमें दिखाया जाता है थोड़ा बहुत हल्की फुल्की झलक दिखाई जाती है कि किसी ने इसके तलवार घोंप दी थी, तो ये बहता बहता जो है वो चिकन आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है, और वहां पर एक चिकन इसको बचाता है, और इसकी याददाश्त वहां पर जा चुकी होती है, और इसको फिर बार्बर यानी बाल काटने की दुकान पर इसको लगा देता है। यहां से वो स्टोरी स्टार्ट होती है, हमें सीजन 1 में देखने को मिलता है, यानी एक तरीके से बेस तैयार करता है सीजन 1। यहां पर ये किलर बनना चाहता है, चिकन के साथ रहना शुरू करता है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीजें आपको सीजन 1 के अंदर देखने को मिलेगी। सेकंड सीजन के अंदर स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, स्टार्टिंग के 3 से 5 तक एपिसोड जो आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉमेडी है, मतलब उसमें धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, उसके बाद जो है वो तो स्पीड आती है स्टोरी के अंदर। सेकंड सीजन के अंदर जो करेक्टर हमें बच गए थे फर्स्ट सीजन वाले, और जो सेकंड सीजन के अंदर भी एक दो जो नहीं देखने को मिलते, तो उनकी स्टोरी हमारे सामने आती है कि वो कहां से है, उनका बैकग्राउंड क्या, एक तरीके से हमें उनके बारे में बताकर उनसे कनेक्ट किया जाता है, और पर्सनली मुझे ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि एक करेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इससे जो सीरीज होती है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, बोर नहीं लगती। हाँ, कुछ एक एपिसोड ऐसे हैं इस सीजन के अंदर जो फिलर एपिसोड आप कह सकते हो, मान लो कि मतलब 10 एपिसोड में भी फिलर एपिसोड मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब थोड़ी बहुत जिनकी गिला सिकवा रह जाती है सीजन 1 को देखकर कि यार इसके अंदर एनिमेशन थोड़ी सी अलग टाइप की है, वो सारी चीजें जो है वो सेकंड सीजन में दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो इसके अंदर फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए, जो एनिमेशन यहां यूज की गई है भाई साहब बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और सीजन 1 के अंदर हमें एक करेक्टर देखने को मिलता है, बुजुर्ग एक करेक्टर होती है, एक लेडी बुजुर्ग करेक्टर होती है उसके अंदर, तो जो सेकंड सीजन के अंदर जो उभर के सामने आती है यार मैंने सोचा भी नहीं था, वो इतनी पावरफुल और इतनी सुंदर वो करेक्टर आती है, मतलब बुजुर्ग जब वो सुंदर होती है जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा उससे जवानी कहां से आई है, इस करेक्टर के बारे में बताया जाता है। और यहां पर सेकंड सीजन के अंदर 13 जो करेक्टर है उसकी बहन यहां पर आती है, उसके बारे में बताया जाता है। एक तरीके से देखो तो सीजन 2 जो है वो करेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जो अच्छी चीज है। इवन इसके अंदर सारे के सारे जो करेक्टर है उनके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताया गया, जैसे चिकन जो है जो सीजन 7 को बचाता है उसके बारे में बताया जाता है, 13 के बारे में भी कुछ बताया जाता है, 13 की बहन के बारे में बताया जाता है, और एक जो बॉडीगार्ड का जो करेक्टर है इसके अंदर उसके बारे में भी बताया जाता है। जो कमी मुझे इसके अंदर ये लगी कि यार मुझे लगा था कि यार 7 का जो करेक्टर है इसके बारे में हमें कुछ बताया जाएगा, देखो यार सीजन 1 के अंदर जितना बताया जाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही यहां पर दिखाया गया, ज्यादा कुछ नहीं बताते 7 के बारे में कि हां भाई उसका पास्ट क्या है, उसके बाद जो स्वॉर्ड है यानी 1000 डैगर स्वॉर्ड जो है वो उसे कैसे मिली, ये तो हमें दिखाया जाता है कि उसे उसे कहां जाना पड़ा था वो लेने के लिए, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि उसने वो हासिल कैसे किया। और सबसे ज्यादा जो करेक्टर आप लोगों को पसंद आने वाला है और जो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आया वो 7 का ही करेक्टर, वो इतना मजाकिया है कॉमेडी तौर पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि यार जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो इसके डायलॉग यहां पर दिए गए हैं, इसके रिएक्शन जैसे बनाए गए हैं बहुत ज्यादा कमाल के हैं, मतलब आप देखोगे तो कहीं कहीं ऐसे सीन है मतलब आप बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं है हंसने के, लेकिन जैसे ये बोलेगा यार फटदनी से आपकी हंसी छूट जाएगी, इतना जबरदस्त बनाया गया है। भले इसके अंदर 7 का जो करेक्टर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, इवन मैं ये कह सकता हूं कि सीजन 1 के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई थी, लेकिन सीजन 2 के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है 7 के बारे में, बट फिर भी ये सीरीज हमें काफी ज्यादा पसंद आती है। सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मेरी तरफ से इस सीजन को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये सीजन देखा है तो प्लीज कमेंट करना, या फिर आपने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो भैया मैंने रिव्यू कर रखा है, जाकर देख लेना, थोड़े बहुत रिव्यूज बढ़ा देना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।